हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 8 मई और आज है रविवार दिन और आज है मदर्स डे और हम लोग का आज व्रत भी है, रविवार का व्रत। तो इसके लिए हमारे घर की साफ़ सफाई चल रही है, क्लीनिंग चल रही है। और मैंने पहले झाड़ू लगाया, उसके बाद मैंने सारे घर में पोछा लगाया, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद फिर मैं खीर पूरी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं नहा वहा के आ गई हूँ किचन में और ये बन गया है खीर। और इधर मैं पूरी तल लूँगी और पूरी तलने के बाद फिर उसके बाद ये छठ पूजा जो करती हैं माँ करती हैं और मैं भी रविवार का व्रत करती हूँ। तो उनका जो था वो शनिवार का भी व्रत करती हैं। तो शनिवार के दिन उन्होंने जितना छठ का अर्घ है उतना वो नियुज रखी, चूड़ा दूध मीठा और केला ये सब का। और फिर पूरे दिन फास्टिंग रहने के बाद शाम को नियुज रख के फिर उसके बाद वही खाएंगी खाई हैं। और आज है वो भी फिर फास्ट रहेगा। और उसके बाद आज फल से जितना भी मौसमी फल है तो उन सब से अर्घ दिया जाएगा सूप में, जिस तरह से छठ में होता है उस तरह से। और जो छठ करती हैं वो हमारे इधर इसी तरह से रविवार का व्रत किया जाता है। और इसमें ठेकुआ भी बनाया जाता है, लेकिन पिछले बार जो कार्तिक छठ के बाद जो अगहन महीना होता है ना, उसमें नहीं बना था ठेकुआ, सिर्फ फल से माँ ये की थी, तो इसीलिए इस बार भी फल से किया जा रहा है। तो ये सारा सूप में सारे फल को रख के हम लोग आ गए हैं छत पे। और छत में ठीक उसी तरह जिस तरह से छठ पूजा होता है उसी तरह से अभी नहा वहा के माँ हैं और उसी तरह से उनको अर्घ देंगे ये जो है। तो इसी तरह से होगा और मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और उसके बाद उनको अर्घ दूंगी। वो अर्घ माँ को सूप दूंगी और वो अर्घ देंगी सूर्य भगवान को। तो इसी तरह से व्रत होता है ये और मैं करती हूँ। बहुत सारे छठ पूजा में तो बहुत सारे अर्घ होते हैं, 13-14 है मेरे यहाँ होते हैं, सभी लोगों का करती हैं माँ। तो इसमें सारे को जोड़ के एक ही दो सूप में रख दिया गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी सबको लेके नीचे और यहाँ पे घर में आके अभी हो गई है पूजा छत पे और अर्घ दिया हो गया हुआ है, अर्घ दे दी है माँ। और अभी जा रहे हैं हम लोग नियोज कारने, नियोज रखेंगे रविवार का व्रत का और उसके बाद हम लोग खाएंगे, फिर बच्चे लोग खाएंगे प्रसाद। वो भी चलते हैं और माँ अभी कर रही है तो वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे उनका ये 13 अर्घ है। तो 13 अर्घ के लिए ये यहाँ पे 13 नियोज रखेंगी और खीर पूरी से रखेंगी, केला रखेंगी उस पे। तो केला के पत्ता पे जिस तरह से छठ पूजा में होता है उसी तरह से इसमें भी किया जाता है। और ये जो सूप मादी थी अर्घ वो है और मैं एक करती हूँ, तो मेरा एक ही नियोज है तो मैंने अपना ये नियोज रख दिया है। और प्रणाम करके जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा के फिर प्रणाम कर लेंगे हम लोग और माँ सारा कुछ करेंगे, ये हुमाद कर लेंगे हम लोग, सिंदूर टीका सब लगा देंगे। बच्चे लोग भी अभी तक खाए नहीं हैं और 11 बज गए थे तो बच्चे लोग भी हुमाद करेंगे। घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, हम दोनों और मेरे दोनों बच्चे और पापा जी थे बस, और मेरे देवर ऑफिस गए थे, मेरे हस्बैंड है नहीं यहाँ, तो यही सब लेक थे। लेकिन खाना तो बना था नहीं, तो यही सब बना था पूजा का, तो बच्चे लोग भी पूजा करके ही खा ये हुमाद करके ही खाते। तो यहाँ पे ये देखिए ये लोग हुमाद भी कर लेंगे और प्रणाम करके, तो हम लोग जब प्रसाद खाएंगे तब तो उसके बाद वो लोग भी खाएंगे।
तो इसी तरह से जो भी घर में सदस्य हैं सब लोग प्रणाम करेंगे। और ये मेरा बेटा है, सिर्फ दादी माँ को प्रणाम किया था तो दादी माँ बोली कि मम्मी को भी प्रणाम करो, वो भी पूजा की हैं, क्योंकि छठ पूजा करती हैं माँ तो उनको सब लोग करते हैं प्रणाम, और मैं नहीं करती हूँ तो इसलिए मुझे नहीं किया था, तो दादी माँ बताई तो फिर वो किया मुझे प्रणाम। तो यहाँ पे पूजा हो गया है और पापा भी आएंगे, पापा भी हुमात कर लेंगे और उसके बाद हम लोग का हो जाएगा। यहीं पे जहाँ पे ये नियुज रखा जाता है ना, वहाँ पे ही खा लिया जाता है, जो पूजा करते हैं वहीं पे थोड़ी देर के बाद या खाते हैं वहीं पे बैठ के। तो ये पूजा हो गया और उसके बाद हम लोग खाएंगे, अपना खाना निकालेंगे। खाना ये जो खीर पूरी मीठा खाना है, आज नमक नहीं खाना है, खीर पूरी, एक संझा इतवार है तो ये मैं प्रसाद मांग रही थी और माँ सबको दे रही थी। जिस तरह से छठ पूजा में होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। तो ये देखिए मैं हम लोग का खाना है, और यहाँ पे मैं अपने लिए केला के पत्ता पे निकाली थी, माँ बोली कि केला के पत्ता पे खाओगे, तो मैंने बोला हाँ, तो मैं यहाँ पे केला के पत्ता पे खीर पूरी और ये जो भी फल है ले लेंगे और वो अपने लिए, तो दोनों आदमी हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे। और खाने के बाद फिर जो प्रसाद है वो बच्चे लोगों को दिया जाएगा। तो ये रहा हम लोग का खाना, और देखिए माँ भी खाएंगी, मैं भी खाऊंगी, तो बच्चे लोग को भी प्रसाद दिया जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 8 मई और आज है मदर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और आज है हम लोग का रविवार का व्रत। हम लोग ने, जैसे आप लोग ने देखा कि मैं वहाँ सुबह से मैंने क्लीनिंग ये सब किया, घर की साफ सफाई की, उसके बाद फिर प्रसाद लगा के छत पे जाके माँ अर्घ दी, उसके बाद हम लोगों ने पूजा किया, नियोज रखा रविवार का। और आज हम लोग का ये रविवार का व्रत जो है, आज हम लोग का फास्टिंग करके मतलब एक टाइम खा के और आज समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगले रविवार को हम लोग खाना ये सब खाएंगे, और अब से हम लोग को नहीं करना होगा। फिर कार्तिक छठ के बाद अगहन महीना आता है, फिर उसमें हम लोग उठाएंगे रविवार का पूजा व्रत करेंगे। तो इस तरह से छः महीना के लिए रविवार का व्रत किया जाता है, और इसमें चाहे तो हम लोग एक महीने का एक बार रविवार करते थे उसमें, और जिसको एक संझा इतवार बोलते थे तो वही हम लोग करते थे, माँ भी करती थी। और अभी तो उस समय हम लोगों ने पूजा किया, और पूजा करने के बाद फिर हम लोग खाना खाए, वो जो खीर पूरी बना था वो हम लोग खाए, और खा के फिर हम लोग सो गए थे। तो मैं उस समय आप लोगों से बात नहीं की, और अभी मैं सो के उठी हूँ तो 3:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो पिछले बार माँ नहीं थी, यहाँ गई थी शादी में, तो नहीं हो पाया था छठ उनका, वो वहीं स्टार्ट की थी व्रत, और मैं यहाँ की थी तो वहाँ पे उन्होंने ठेकुआ नहीं बनाया था, तो इस बार इसीलिए ठेकुआ नहीं बना है। और रविवार के व्रत में जो छठ व्रती छठ करते हैं वो है, जो रविवार का व्रत करती हैं तो रविवार के दिन अर्घ देती हैं सारे फल से, ठेकुआ से, लेकिन इस बार ठेकुआ नहीं बना, सिर्फ फल से अर्घ दिया, मेरी मम्मी भी की है, इसी तरह से हम लोग करते हैं। और आप सब कैसे हैं, मैं बहुत काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बनाई हूँ। हम लोगों ने खाया, और शाम के सूरज ढलने से पहले चाय और पानी जो भी पीना है, खाना नहीं है सिर्फ पीना है, पी के फिर उसके बाद हम लोग कुछ नहीं पियेंगे। तो इस तरह से करके फिर कल फिर माँ जाएंगे वहाँ मंदिर में पूजा करने, और पूजा करने के बाद आएंगी तो खाना पीना खाएंगी, जो भी होगा पारण होगा हम लोग का। तो इसी तरह से रविवार का व्रत समाप्त हुआ। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और अच्छी लगी तो जी लाइक कीजिएगा, वीडियो पे नए हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी मदर्स डे।